तो ये हमारे चैनल का 100th वीडियो होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को कुछ स्पेशल किया जाए। तो तब भी आपको हमारे चैनल में 3 सुपर हीरोज एक साइड, 3 सुपर हीरोज दूसरी साइड और इनका शोडाउन हो रहा हो तो समझ जाओ कि हमारे चैनल की स्पेशल सीरीज ट्रिपल बैटल शोडाउन है। तो इस सीरीज में हम 3 सुपर हीरोज या 3 सुपर विलन का कंपैरिजन 3 सुपर हीरोज या 3 सुपर विलन से ही करते हैं। फर्क नहीं पड़ता कोई सुपर हीरो मार्वल का है, फर्क नहीं पड़ता कोई सुपर हीरो डीसी का है, फर्क नहीं पड़ता कि दो अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरो एक टीम में है, और फर्क नहीं पड़ता कि सुपर हीरो और सुपर विलन एक टीम में है। फर्क बस इतना पड़ता है कि 3-3 कैरेक्टर्स दोनों टीम में होने चाहिए। और आज हम इसी स्पेशल सीरीज का एपिसोड 3 लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे हम बात करेंगे एमसीयू इन्फिनिटी वॉर थॉर, एमसीयू बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल, डीसीयू ब्लैक सुपरमैन वर्सेस एमसीयू हेला, डीसीयू स्टेफन वुल्फ एंड एमसीयू थानोस विद नो इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो यहां पे दो बातें ध्यान देने वाली है, पहली कि ये पूरा कंपैरिजन सिर्फ मूवीज के ऊपर बेस्ड होगा, और दूसरी कि हम थानोस के साथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट या इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि थानोस बाकियों की तरह इन्फिनिटी स्टोन्स का यूजर है। हम ये नहीं कंसिडर कर सकते कि इन्फिनिटी स्टोन थानोस की खुद की प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से तो हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे आयरन मैन और हल्क के पास भी इन्फिनिटी स्टोन्स हो, क्योंकि उन्होंने भी उसे एक ना एक बार तो यूज किया है। तो आप इन कुछ बातों का ध्यान रखना, और इसके ऊपर कि अगर आपको ये स्पेशल सीरीज पसंद आती है तो आप हमें अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में बता देना कि हम इस सीरीज का एपिसोड हर महीने रिलीज करें या हर दूसरे महीने रिलीज करें। और कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन सब करेक्टर्स का एक दूसरे के खिलाफ एक एक करके कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बाद टीम अप बैटल करेंगे ताकि आपको ये बैटल अच्छे से समझ आए और इस वीडियो में और मजा आए। नंबर 1, थोर वर्सेस थानोस। तो बेसिकली अगर यहाँ पे एंड गेम थोर की बात हो रही होती तो थानोस इस बैटल को इजीली जीत जाता, लेकिन ये थोर कोई और नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर थोर है। तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी वॉर थोर होगा तो पहली बात कि वो डिप्रेशन में नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे पता होगा कि अपनी पावर्स को किस तरह से यूज करना है, अपने स्टॉर्म ब्रेकर का सही यूज कैसे करना है, और फाइट करते करते अपने 1500 साल के एक्सपीरियंस को किस तरह यूज करना है। और कहीं ना कहीं एंड गेम में इन सब चीजों की कमी की वजह से थोर थानोस से हार गया था। और इसके ऊपर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थोर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन को डिफेंड कर दिया था। अब यहाँ पे थानोस अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था, इसलिए थोर ये अटैक आसानी से कर पाया, लेकिन तब भी ये थोर का सबसे पावरफुल फेट है एमसीयू का। इसके ऊपर एक और बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन वाला थानोस नहीं बल्कि सिंपल थानोस है, इसीलिए इन्फिनिटी वॉर थोर थानोस को हरा देगा। नंबर 2, थोर वर्सेस स्टेफन वुल्फ। तो थोर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और स्पेशल अटैक्स, इन सब पॉइंट में थोर स्टेफन वुल्फ से बहुत आगे है, और इन सब पॉइंट्स का मूवीज में देख भी चुके हैं। फिर चाहे हम बात करें डाइंग स्टार्स के रिंग्स को मोड़ने की, या बात करें इसके रेडिएशन को अपने ऊपर लेने की, चाहे हम बात करें पावर स्टोन के रेडिएशन को अपने माथे में डिफेंड करने की, या हम बात करें स्टॉर्म ब्रेकर से अपने आप को कुछ ही सेकंड में हील करने की, या बात करें वकांडा बैटल में अपना कंट्रीब्यूशन देने की, या बात करें 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करते हुए थानोस की चेस्ट में स्टॉर्म ब्रेकर गाड़ने की। और इसके ऊपर जहां तक वेपन्स की बात आती है तो थोर का स्टॉर्म ब्रेकर स्टेफन वुल्फ के एक्स से बहुत पावरफुल है। तो स्टेफन वुल्फ के एक्स को हमने मूवीज में देखा, लेकिन इसे थोर के स्टॉर्म ब्रेकर के जितने अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसीलिए इस फाइट का विनर थोर और उसका स्टॉर्म ब्रेकर होगा। और इसके ऊपर कि सुपरमैन के आते ही स्टेफन वुल्फ की हालत खराब हो गई थी, तो अगर हमारा सुपरमैन स्टेफन वुल्फ को हरा सकता है तो हमारा थोर भी हरा सकता है। नंबर 3, थोर वर्सेस हेला। तो थोर वर्सेस हेला का बैटल कहीं भी शुरू हो, एसगार्ड में, अर्थ में, या यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में, लेकिन ये बैटल खत्म होगा एसगार्ड में ही। अब इस सेम बात को मैं वीडियो में आपको थोड़ी देर बाद प्रूफ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इन दोनों करेक्टर्स के एक दूसरे के ऊपर एडवांटेज देख लेते हैं। तो अगर हेला की बात करें तो पहला एडवांटेज हेला को होगा एसगार्डियन फिजियोलॉजी का, यानी कि एसगार्ड में जिसकी एज ज्यादा होती है उसकी पावर्स भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ही थोर रैगनरोक में हेला थोर से बहुत पावरफुल थी। इसके ऊपर उसका सेकंड एडवांटेज रहेगा एसगार्डियन मैजिक हीलिंग फैक्टर। अब हमने थोर रैगनरोक में देखा था कि हेला की पावर एसगार्ड से है, और जब भी हेला एसगार्ड जाती है तो वो इमॉर्टल बन जाती है। तो एसगार्ड में हेला की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्पीड और रिफ्लेक्सेस और उसके नेक्रोस्वॉर्ड तक बहुत पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें तो थोर की लाइटनिंग पावर्स, उसकी टेलीपोर्टेशन पावर्स और उसका स्टॉर्म ब्रेकर, ये तीनों चीजें हेला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लाइटनिंग की बात करें तो थोर ने हेला के ऊपर सबसे पावरफुल थंडर स्ट्राइक मारा था, लेकिन उससे हेला को एक क्रॉन्च तक नहीं आई थी। इसके ऊपर जहां तक बात स्टॉर्म ब्रेकर की आएगी तो स्टॉर्म ब्रेकर भी म्योनियर की तरह उरु मेटल से ही बना है, तो अगर हेला म्योनियर को तोड़ सकती है तो वो स्टॉर्म ब्रेकर को भी तोड़ सकती है। इसके ऊपर अगर थोर की बायफोर्स की बात करें तो थोर भले ही हेला को कहीं और टेलीपोर्ट कर दे,
लेकिन हेला के पास भी टेलीपोर्टेशन है, जिससे अगर हेला को किसी और प्लेनेट में फाइट करने में अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वो अपने टेलीपोर्टेशन एबिलिटी से फिर से एस्गार्ड आ जाएगी और अपने मैजिकल हीलिंग फैक्टर से अपने आप को फिर से इमॉर्टल बना लेगी। और थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए कहा था कि फाइट कहीं भी शुरू हो लेकिन खत्म एस्गार्ड में ही होगी, तो क्या थोर हेला को कभी हरा ही नहीं पाएगा? तो अब ऐसा भी नहीं है, थोर हेला को बस एक तरीके से हरा सकता है जैसे सर्टर ने हराया। अब हेला की पावर एस्गार्ड से है और अगर थोर एस्गार्ड को कोर तक डिस्ट्रॉय कर देगा तब उसके चांसेस बन सकते हैं। ध्यान रहे, ये पक्का नहीं है कि वो हेला को हरा देगा, उसके सिर्फ चांसेस बनेंगे। अब इसी बात का हमें एकदम परफेक्ट एग्जांपल थोर रैगनरोक में ही दिख चुका है। तो ओडिन ने हेला को इतने टाइम से एस्गार्ड से दूर रखा था, लेकिन हेला आई और उसने म्योनिर को तोड़ दिया। अब ये सिंगल बात ही बताती है कि अगर हेला एस्गार्ड से दूर भी रही तब भी उसकी पावर उतनी कम नहीं होती जितना हम सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर एस्गार्ड तबाह होगा तो उसकी इमोर्टेलिटी खत्म हो जाएगी। और थोर वर्सेस हेला का मैं पूरा ब्रेकडाउन इसी वीडियो में टीम अप राउंड में करने वाला हूं। तो अब हमने थोर की तीनों फाइट्स को डिस्कस कर लिया, अब बारी आती है अपने मैन ऑफ स्टील सुपरमैन की। नंबर वन, सुपरमैन वर्सेस थैनोस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे थैनोस के साथ उसके इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, उसके तो है भी नहीं। तो सुपरमैन की प्लैनेट लाइक स्ट्रेंथ, न्यूक मिसाइल को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कुछ ही सेकंड में पार करने वाली स्पीड, फ्लैश की स्पीड को डिटेक्ट करने वाले रिफ्लेक्सेस और स्टेफन वुल्फ को काटने वाले लेजर्स, ये सब चीजें सुपरमैन को थैनोस से बहुत पावरफुल कर रही हैं। अब अगर थैनोस अपनी डबल एज स्वॉर्ड और अपने पंचेस से सुपरमैन को हराने की कोशिश भी करता है तो सुपरमैन अपने रिफ्लेक्सेस से उसे इजीली डॉच कर लेगा और फिर वो थैनोस का वही हाल करेगा जो उसने स्टेफन वुल्फ का किया। नंबर टू, सुपरमैन वर्सेस स्टेफन वुल्फ। तो इस बैटल के डीपली जाने में कोई जरूरत नहीं है, जस्टिस लीग में तो पूरी लीग की हालत स्टेफन वुल्फ के सामने खराब हो गई थी, वैसे सुपरमैन की एंट्री हुई और उसने स्टेफन वुल्फ को बहुत बुरा धोया। नंबर थ्री, सुपरमैन वर्सेस हेला। तो सुपरमैन और हेला की फाइट भी थोर और हेला की फाइट की तरह होगी, जहाँ पे फाइट कहीं भी शुरू हो खत्म एस्गार्ड में होगी। अगर सुपरमैन को हेला को हराना होगा तो उसे एस्गार्ड के कोर तक एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और जहाँ तक बाकी बात बचती है तो वो बात आपको टीम ऑफ बैटल में पता चल जाएगी। तो अब हमने सुपरमैन के कंपैरिजन कर लिए हैं, थोर के कंपैरिजन कर लिए हैं, तो अब बारी आती है कैप्टन मार्वल की। तो थैनोस के हेडबट के बाद कैप्टन मार्वल अपनी जगह से हिली तक नहीं थी, थैनोस के पावर स्टोन के पंच से कैप्टन मार्वल ने सरवाइव किया था और थैनोस की स्पेसशिप को इतनी इजीली डिस्ट्रॉय किया था। और अवेंजर्स एंडगेम में हमें थैनोस और कैप्टन मार्वल की फाइट भी देखने को मिल चुकी है, जहां पे थैनोस कैप्टन मार्वल के सामने बच्चा लग रहा था। आई मीन सच में कि अगर थैनोस इतना ही पावरफुल होता तो वो पावर स्टोन का इस्तेमाल नहीं करता कैप्टन मार्वल को दूर करने के लिए। ये सब हमें बताते हैं कि कैप्टन मार्वल थैनोस को इजीली हरा देगी। नंबर टू, कैप्टन मार्वल वर्सेस स्टेफन वुल्फ। तो सबसे पहली बात कि कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और उसकी पावर्स, ये सब चीजें स्टेफन वुल्फ से आगे हैं। लेकिन स्टेफन वुल्फ के पास भी उसका एक्स है जिसकी पावर्स हम जस्टिस लीग में देख चुके हैं। ये वेपन सचमुच बहुत कमाल का वेपन है, हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन तब भी मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल की विनर कैप्टन मार्वल होगी, क्योंकि उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन तो है लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी है। तो अगर उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब की हो तो स्टेफन वुल्फ के दूर दूर तक कोई चांस नहीं बनते, और अगर उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं भी की हो तब भी स्टेफन वुल्फ का एक्स उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। और इसके ऊपर इसका हीलिंग फैक्टर, तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और पावर्स, ये सब पॉइंट स्टेफन वुल्फ से बहुत आगे है, जिस वजह से कैप्टन मार्वल इस बैटल की विनर होगी। और जस्टिस लीग में भी सुपरमैन ने स्टेफन वुल्फ को हराया था, तो सुपरमैन का कंपैरिजन कैप्टन मार्वल से भी किया जाता है। इस बात से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कैप्टन मार्वल इस बैटल की विनर होगी। नंबर थ्री, कैप्टन मार्वल वर्सेस हेला। तो यहाँ पे भी वही सब बातें होंगी जो सुपरमैन वर्सेस हेला फाइट और थोर वर्सेस हेला फाइट में हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे भी डिटेल में ज्यादा नहीं घुसूंगा। तो फाइनली अब हमने सब कैरेक्टर्स का एक दूसरे से कंपैरिजन कर लिया है, तो अब हम ये देखते हैं कि इनके टीम अप बैटल का विनर कौन होगा। तो इस बैटल में भी सब कुछ सेम होगा, बैटल कहीं भी शुरू हो लेकिन खत्म एस्गार्ड में होगा। लेकिन तब भी हम पहले ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये बैटल अर्थ में हो रहा है। तो अब बैटल शुरू होगा और सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल या फिर तो थैनोस के ऊपर अटैक करेगी या फिर तो स्टेफन वुल्फ के ऊपर, और सुपरमैन भी थैनोस के ऊपर अटैक करेगा या स्टेफन वुल्फ के ऊपर। और ये सब कंपैरिजन हम वीडियो में थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। तो कैप्टन मार्वल भले ही थैनोस से लड़े या स्टेफन वुल्फ से लड़े, जीत कैप्टन मार्वल की होगी, और सुपरमैन भी भले
थैनोस से लड़े या स्टेफन वुल्फ से लड़े, जीत उसकी होगी। तो कैप्टन मार्वल और सुपरमैन दोनों अपनी फाइट को पहले खत्म कर लेंगे, लेकिन हेला और थोर की फाइट अभी भी चल रही होगी। और इस फाइट में हेला थोर को बहुत अच्छा खासा डैमेज दे चुकी होगी, और फिर एंट्री होगी हमारे सुपरमैन और कैप्टन मार्वल की, और अब ये तीनों सुपर हीरो मिल के हेला के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो हेला पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल भी नहीं कि इन तीनों सुपर हीरो का मुकाबला साथ में कर पाए। तो अब हेला अपने आप को हील करने के लिए एस्गार्ड की मदद लेगी और टेलीपोर्ट होकर एस्गार्ड पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये फाइट भी कहीं भी शुरू हो, खत्म एस्गार्ड में ही होगी। तो अब एस्गार्ड में क्या होगा? तो एस्गार्ड में हेला लिटरली इमॉर्टल बन जाती है। तो यहाँ पे थॉर, सुपरमैन और कैप्टन मार्वल को उसी प्लान के हिसाब से चलना होगा कि सुपरमैन और कैप्टन मार्वल दोनों एस्गार्ड के कोर तक उसे डिस्ट्रॉय करने में लग जाए, और इसी बीच थोर हेला के खिलाफ लड़ते लड़ते उसका ध्यान भटका सके। और मेरे अकॉर्डिंग ये सब सुपर हीरोस ऐसा कर भी लेंगे, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे सुपर हीरोस नहीं है, ये अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोस हैं। तो यानी कि इस बैटल को हमारी सुपर हीरोस की टीम ने जीत लिया है। तो अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर ये सब करेक्टर प्रिपेयर हो गया है तब इस बैटल को कौन जीतेगा? अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि सुपर विलन्स के पास थैनोस है, द मैड टाइटन थैनोस। थैनोस मार्वल के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है, और थैनोस ने आयरन मैन से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में खुद कहा था कि ज्ञान का शराब सिर्फ तुम्हें नहीं है। तो अगर थैनोस प्रिपेयर होके आएगा तो वो इन तीनों सुपर हीरोज के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें लेके आएगा जिससे इन तीनों सुपर हीरोज की हार हो जाएगी। इसके ऊपर अगर यहाँ पे थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का भी इस्तेमाल कर लेता है, उन्हें भी ढूंढ लेता है, तो वो भी एकदम वैलिड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थैनोस को पता था कि किससे लड़ना है और उसने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर किया। तो अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे सुपर हीरोज थॉर, कैप्टन मार्वल और सुपरमैन ये सब कच्चे नींबू थोड़ी ना है, अगर थैनोस अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है तो हमारे सुपर हीरोज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये तीनों भले कितने भी प्रिपेयर हो जाएं, लेकिन थैनोस की प्रिपरेशन के आगे सब फेल होगा। तो यानी कि प्रिपरेशन टाइम के बाद सुपर विलन्स इस बैटल में बाजी मारेंगे, लेकिन सिंपली तो इस बैटल के विनर सुपर हीरोज ही होंगे। लेकिन ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या लगता है इनकी हाइपोथेटिकल फाइट का रिजल्ट क्या होगा, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने थॉर, कैप्टन मार्वल और सुपरमैन का कंपैरिजन हेला, थैनोस और स्टेफन वुल्फ से किया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोस एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, सो एसएस 10 असेंबल्ड।